हालेलुया, धन्यवाद करें सब जन, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज फिर से परमेश्वर आपको एक और गहरा वचन देने जा रहा है, और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, जब आप इस वचन को लेंगे आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सब जन धन्यवाद करें, सब जन धन्यवाद करें, थैंक यू फादर, थैंक यू। अपने घुटनों के बल ही रहना है आपने, और घुटनों के बल रहकर ही आपने उसके नाम की महिमा करनी है। प्रभु का वचन कहता है, यही हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 17, यूहन्ना 17 ही हम पढ़ेंगे। हालेलुया, क्योंकि यूहन्ना 17 में बहुत डीप रेवलेशन है जो आप ले रहे हो। हालेलुया, आप सेव नहीं हो। हालेलुया, हम पढ़ेंगे, हम 11 को पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 उसकी 11 को हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, अब मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। कौन रहेंगे? हम लोग जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रभु से कह रहे हैं कि अब मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया उसकी रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? नाम की। कौन से नाम की रक्षा कर? यीशु नाम की। अब यीशु नाम क्या है? बाइबल बताती है अनोमा नाम है। यीशु नाम का मतलब अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? चरित्र। चरित्र का मतलब इंग्लिश में बोलते करैक्टर। चरित्र का मतलब पंजाबी में चाल चलन। परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उसकी रक्षा कर, कि वे हमारे सम्मान हो। कौन सम्मान हो? हम सम्मान हो। परमेश्वर कहता है कि प्रभु, परमेश्वर इनके जो अंदर, प्रभु तेरा नाम है ना, उसकी रक्षा कर। मतलब इनके जो करैक्टर है ना, उनकी आप रक्षा करें, इनकी करैक्टर की आप रक्षा करें, कि जो इनका करैक्टर है वो मैला ना हो, इनका जो जीवन वो मैला ना हो। प्रभु आप इनके चरित्र की, आप इनके चाल चलन की, आप उनके उठने बैठने, आप इनके सोचने समझने की क्या करें? रक्षा करें, ताकि ये क्या हो? एक समान हो। एक समान कैसे? जैसे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहा है कि जब आप अपने करैक्टर की रक्षा करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर आपके करैक्टर की रक्षा करेंगे, तो मैं और आप क्या बन जाएंगे? एक समान बन जाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह और हम क्या बन जाएंगे? जब परमेश्वर हमारे करैक्टर की रक्षा करेगा, हम अपने करैक्टर की रक्षा करेंगे, हम अपने जीवन को मैला नहीं होने देंगे, हम पापों भरी जिंदगी से बाहर आएंगे, अपना अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, तो क्या होगा? हम एक समान बन जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आपने बाइबल में देखा कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर कैसा है। कैसा है करैक्टर? वो शुद्ध मन वाला हमारा परमेश्वर, वो नम्रता से भरा हुआ, वो दीनता से भरा हुआ परमेश्वर, वो धार्मिकता पर चलने वाला हमारा परमेश्वर, वो शांत रहने वाला परमेश्वर, आनंद में रहने वाला परमेश्वर, कभी ना किसी को ठेस देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि हमें भी क्या करना है? उस करैक्टर की क्या करनी है? हमें रक्षा करनी है। उस नाम की हमें क्या करनी है? हमें रक्षा करनी है। फिर हमने क्या बनना है? जब हम रक्षा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह और हम क्या बन जाते हैं? एक समान बन जाते हैं। बनना चाहते हो आप एक समान? बनना चाहते हो? आज से फिर अपने करैक्टर की रक्षा करो, आज से यीशु नाम की रक्षा करो, आज से यीशु नाम की रक्षा करनी शुरू कर दो, आप एक समान बन जाओगे। हालेलुया, जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उसकी रक्षा की। हालेलुया, प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह पिता से कहता है, जब मैं उसके साथ था, किसके साथ था? हम लोगों के साथ, इंसानी लोगों के साथ, वो फरीसी सदूकी लोगों के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह थे, जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय की बात, जब वो इंसानों के बीच में था, परमेश्वर का पुत्र, फरीसी सदूकियों के साथ था, तो प्रभु यीशु कहता है कि मैंने इस नाम की क्या की? रक्षा की। अनोमा की, करैक्टर की, चाल चलन की क्या की? मैंने रक्षा की, क्योंकि तब वो लोग थे आज के समय के लोगों की तरह थे। तब उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह जिस युग में थे, उस युग के लोग आज के युग की तरह थे, पापों से भरे हुए, नफरत से भरे हुए,
मनो में प्रेम नहीं है, मनो में शांति नहीं है और किसी को ऊंचा होता देख नहीं सकते। वो कहते ये ऊंचा क्यों हो रहा है, छोटी उम्र में परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम फरीसी है, हम सदूकी है, हम ऊंचे होने चाहिए, ये क्यों ऊंचा हो रहा है। तो तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है, मैंने तब उन लोगों में मैंने तेरे नाम की क्या की, रक्षा की। क्या, किसकी रक्षा की? करैक्टर की, चाल चलन की रक्षा की। परमेश्वर कहता मैंने जो तेरा नाम मुझ में था और मैंने उस नाम की क्या की, रक्षा की। आज परमेश्वर आप लोगों से भी कहता है, जो यीशु नाम आप लोगों को मिला है, आज से आपने उस नाम की क्या करनी है, रक्षा करनी है। क्योंकि यीशु नाम क्या है, यीशु नाम क्या है, वो अनोमा है, वो एक करैक्टर है, वो एक चरित्र है। वो चरित्र किस में वास करता है, वो चरित्र आप में और मुझ में वास करता है। वो चरित्र किस में वास करता है, आप में और मुझ में वो वास करता है। इसलिए अगर वो चरित्र, वो करैक्टर, वो अनोमा हम में वास करता है, तो हमने उस नाम को मैला नहीं होने देना, हमने उस नाम को झूठा नहीं पढ़ने देना, हमने उस नाम को दुनिया के सामने नीवा नहीं होने देना, हमने उस नाम को ऊंचा करना है अपने अंदर, हमने उस नाम को रिस्पेक्ट देनी है, हमने उस नाम से क्या अपना जीना मरना करना है, उस नाम से हमें धार्मिकता नहीं छोड़नी है, हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और हमें सत्य के पीछा कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मरने तक हम आ जाएं, हमें कह दे तुम्हें ये कर दिया जाएगा, तुम्हें वो कर दिया जो समाज से निकाल दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, हाँ हम ठीक है, हम निकाले जाएंगे, हम कबूल करते हैं, पर हम यीशु नाम को अपने जीवन से कभी नहीं निकालेंगे, हमें यीशु के करैक्टर को अपने जीवन से कभी नहीं निकालेंगे, कभी उस करैक्टर से हम बाहर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी बनती है और डायरेक्टर क्या करता है, हीरोइन को एक रोल देता है, एक हीरो को रोल मिलता है, एक हीरोइन को एक रोल मिलता है, और वो करैक्टर होता कैसा, वो करैक्टर होता है एक बेटी के रूप वाला करैक्टर होता है, एक बेटी के रूप वाला करैक्टर होता है। और जब वो हीरोइन उस करैक्टर में घुसती है और वो जो करैक्टर में वो जैसी बेटी बनी होती है, वो पवित्र बेटी बनी होती है, वो उस करैक्टर में घुस जाती है और उस मूवी में पूरी ईमानदारी से काम करती है और उसे वाह वाही मिलती है, किस लड़की ने बहुत अच्छा एक बेटी का करैक्टर निभाया, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर मूवी बनी, बड़ी अच्छी वाह वाही मिल रही है। वो संसार की मूवी की बात है, पर जब आप करैक्टर में घुसते हो, आप यीशु नाम में घुसते हो, रियल वाले यीशु नाम में घुसते हो, उस नाम में जिसमें आजादी है, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम में प्रेम है, जिस नाम में शांति है, जो वो रियल वाला करैक्टर है, उस करैक्टर में आप जब आते हो, आप क्यों ना महिमा पाओगे, आप क्यों ना इज्जत और जलाल प्राप्त करोगे अपने जीवन में, आप प्राप्त करोगे जब आप उस करैक्टर में घुस जाओगे। हालेलुया। आपने क्या करनी है इस करैक्टर की, यीशु नाम की क्या करनी है, आपने रक्षा करनी है। अब आप कहेंगे यीशु नाम की भी रक्षा करने पड़ेगी, जी हाँ, क्योंकि यीशु नाम एक नाम नहीं है, ये तोला नहीं जाता, इसका वजन बहुत भारी, इस नाम का, ये नाम किसी को इतनी जल्दी नहीं मिलता, यीशु नाम ये उन लोगों को मिलता, रात में हमने पढ़ा ना, ये उन लोगों को मिलता जिनके ऊपर मोहर है परमेश्वर की, ये उन लोगों को यीशु नाम मिलता है, उस नाम की छाप मिलती है, ये सभी को ये नाम नहीं मिलता, बहुत सारी दुनिया देख लो आप घूमकर, ये नाम उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ, ये नाम सिर्फ आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रकट हुआ है। और जब ये नाम आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रकट हुआ है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, इस नाम को हमने क्या करना है, ऊंचा करना है, इस नाम की हमने क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है, इस नाम को कभी भी हमने नीचे गिरने नहीं देना, बल्कि इस नाम के द्वारा हमने ऊंचाइयों को छूना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम,
यीशु नाम ये बहुत भारी नाम है, इससे तोला नहीं जा सकता, इस नाम को इसे नापा नहीं जा सकता इस नाम को, क्योंकि ये नाम सामर्थ्य नाम है, ये नाम पावरफुल नाम है। इस नाम से दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती है, हालेलुया। इस नाम से क्या होता है, बीमारियां घुटने टेकती है। इस नाम से क्या होता है, गरीबी के शराब घुटने टेकते हैं। इस नाम से क्या होता है, जो बच्चों के कर्ज चले आते हैं वो खत्म होते हैं। इस नाम से क्या होता है, बच्चों के शराब जो चले आ रहे हैं बाप दादों के, वो टूटते हैं। वो कैसे टूटते हैं, यीशु नाम के कारण। वो क्या, यीशु नाम के कारण। और वो यीशु नाम कब आपके जीवन में पूरा होता है, जब आप पूरी तरह से धारण कर लेते उस नाम को, उस करैक्टर में आप रंग जाते हो। अब यीशु नाम में रंग गए हो पूरी तरह, फिर वो काम करता है नाम, वरना ये नाम काम नहीं करेगा। आप बोलो यीशु के नाम से चल फायर, यीशु के नाम से फायर, वो फायर नहीं निकलेगी, वो नहीं जाएगी, क्योंकि यीशु नाम को पहनने के लिए आपके अंदर भी ताकत होनी चाहिए। यीशु नाम को लेने के लिए उस यीशु नाम की आपको रक्षा करने पड़ती है। यीशु नाम की आपको क्या करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ती है। उस यीशु नाम को अगर अपने अंदर बसाना है तो आपको भूलना पड़ेगा अपने पुराने करैक्टर से, आपको निजात प्राप्त करनी पड़ेगी, नए करैक्टर में, यीशु करैक्टर में आना पड़ेगा। और यीशु करैक्टर क्या है, प्रेम। प्रेम है यीशु करैक्टर, गुस्सा नहीं है, विरोध नहीं है यीशु करैक्टर। यीशु नाम क्रोध भरा नाम नहीं है, वो प्रेम बड़ा शांति वाला नाम है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जब तक रहे, आपने देखा कि कभी उसने किसी के ऊपर गुस्सा किया हो? हाँ, कब गुस्सा किया था, जब उसके उसके परमेश्वर के भवनों को लोगों ने क्या डाकू की खो बना लिया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया था। तब वो बोलता है सांप के बच्चों, तब वो गुस्सा करता है उन लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, परमेश्वर के घर को गंदा किया हुआ था। अंत समय तक परमेश्वर ने उस करैक्टर की रक्षा की, अंत समय तक, जब प्रभु यीशु से क्रूस पर भी चढ़ाए गए, अंत समय तक उस करैक्टर की रक्षा की प्रभु ने, और बोला कि पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अंत समय तक उस करैक्टर की क्या की, रक्षा की। जब अंत समय होता है इंसान का, तो उसकी सांसें निकल रही होती है, वो कितना परेशान, क्योंकि सांसें निकलती नहीं है। उस वक्त कह सकता था परमेश्वर कि परमेश्वर तेरे नाम ने मुझे क्या दिया, सूली दे दी तेरे नाम ने मुझे, पर नहीं, परमेश्वर अपने करैक्टर में रहे। परमेश्वर क्या, प्रभु यीशु मसीह अपने करैक्टर में रहे, और अंत समय तक भी अपने करैक्टर में रहे। उसने अपने करैक्टर को, यीशु नाम को इतना भी दाग ना लगने दिया, इतने भी हानि ना अपने यीशु नाम को होने दी परमेश्वर ने। जब श्वास छोड़ते हैं तो प्रभु का फिर भी धन्यवाद करते हैं, इतना भी दाग ना लगने दिया यीशु नाम को। आज मालूम हुआ यीशु नाम क्या है, जिस नाम को आप पुकारते हो वो नाम क्या है, और चेक करो कि वो नाम आप पुकारने योग्य हो कि नहीं हो। आप कितनी उस नाम की रक्षा कर रहे हो, कितना उस नाम को ऊंचा कर रहे हो, जो आप दिन रात यीशु 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 पुकारते हो, क्या वो सच में आपके अंदर, वो यीशु सच में जिंदा है, वो सच में वो नाम आज भी आपके अंदर है, जब मुख के द्वारा से शब्दों से यीशु यीशु बोल रहे हो और अंदर आपने उस करैक्टर को रखा ही नहीं है, वो करैक्टर आपके अंदर जिंदा नहीं है। नहीं जिंदा तो आज से उस करैक्टर को जिंदा करना है आपने, उस चरित्र को अपने अंदर लाना है, उस चरित्र को अपने अंदर जिंदा करना है, यीशु नाम को अपने अंदर लाना है, तभी आपकी बीमारियां खत्म होगी, तभी आपके रोग खत्म होंगे, तभी आपके सालों के जो कर्ज वो जाएंगे, जब आप यीशु नाम को अंदर जिंदा करेंगे। आपके मुंह में झूठ है, आपके मुंह में चुगली है, आपके यहां माइंड में लड़की के लिए गलत चालें चलती है, आपके मन में अपने भाई के प्रति
विरोध है कि वो क्यों बढ़ रहा है? आपके मन में मेरी बहन के प्रति विरोध है, मेरी बहन क्यों अपने घर में सुखी है? आपके मन में ये चल रहा है, इसके घर में बच्चे, मेरे घर में बच्चे नहीं है? तो यीशु नाम आपके अंदर नहीं है।